हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फिर आज हम बनाने जा रहे हैं वर्मीचेली यानी सिवाइयों का नाश्ता, जिसे सभी को तो पसंद आएगा ही, पर खास करके ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। फिर वैसे तो हम जब सिवाइयाँ मीठी बनाते हैं तो बड़े तो बहुत चाव से खाते हैं, पर बच्चे उनको खाने में आनाकानी करते हैं। पर आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे आपको मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पर इस तरह का हम पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बटर। अब इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 चम्मच हम डालेंगे कैबेज, 2 चम्मच हम डालेंगे कैप्सिकम, 1 छोटी सी कटी हुई हरी मिर्च, 1 टमाटर छोटा सा जिसको मैंने बारीक बारीक काट डाला है, और 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। सभी को हम हाई फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे, जैसे कि जो सब्जियों का कच्चापन है वो दूर हो जाए और ये खाली क्रंची रहे, उसको गलाने का नहीं है, खाली इसको हमको क्रंची ही रखने का है। अभी फ्रेंड, इस तरह से मैंने भुनी हुई सेवैयाँ ली है, ये इसमें हम आज ही यूज़ करेंगे। आप चाहो तो जो बिना भुनी हुई सेवैयाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं, खाली उसको पहले आपको रोस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच शेजवान चटनी, आप चाहो तो इसमें शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी, और ये हमने 50 ग्राम सेवैया ली है जिसको इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच और चिली फ्लेक्स, और 1/2 छोटी चम्मच के करीब हम डालेंगे ओरेगानो, और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे जो भी मसाला है वो सेवैयों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसमें अभी हम 1/4 के करीब पानी और डालेंगे। 1/4 कप पहले डाला था और 1/4 कप अभी इसमें हमने डाला है। अभी इसमें फिर हम डालेंगे मोजरेला चीज़, क्योंकि फिर आपको तो पता है चीज़ बच्चों को कितना ही पसंद है, इसलिए आप उसमें जितना अच्छा लगे बढ़ बढ़ के आप डालिएगा। ऊपर से मैंने मिक्सअप डाल दिए थोड़े से, और ढक्कन बंद करके इसको लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, तब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए, तब तक तो हमारी सेवैयाँ भी पक जाएगी। हमारा जो चीज़ है मेल्ट हो गया है, सेवैयाँ भी पक गई है, उसमें से ऊपर से हम थोड़ा गार्निश करेंगे हरे धनियों के पत्ते से, जिससे ये नाश्ता है वो दिखने में अच्छा लगे। अब इसमें से मैंने ऊपर से डाला है थोड़ा सा ओरेगानो और मिक्सअप मैंने थोड़ा डाला है। तो फिर देखिए, ये बन गया हमारा इंडियन सेवैयों का पिज़्ज़ा, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे, इतना ही टेस्टी बनता है। फिर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा।